अभी अनाउंसमेंट देखा, सूरा राई पोट्रू का रीमेक बनने जा रहा है जिसमें अक्षय कुमार होंगे। यार प्लीज, क्या आपने तमिल एक्टर सूर्या की सूरा राई पोट्रू देखी है? अगर देखी नहीं है तो अभी जाकर देख लीजिए, आपको पता लगेगा एक्टिंग क्या होती है, क्या उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, क्या डायरेक्टर ने क्या काम किया है, और एक्चुअली स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं। यहाँ बॉलीवुड में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ रीमेक्स बनाने वाले हैं। आपने देखा है कि अक्षय कुमार और अजय देवगन, इन दोनों ने तो जैसे कसम खा रखी है कि अच्छी से अच्छी साउथ की मूवीज उठाएंगे और उसका रीमेक बना देंगे। कुछ ऐसी मूवीज साउथ की जिनका मैं कभी रीमेक देखना नहीं चाहती क्योंकि वो इतनी अच्छी बनी हुई है, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहला नाम है राक्षसन। ये मूवी जब मैंने देखी थी, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मुझे गूज बम्स आ गए थे और मैं अपने घर में बैठ के डर रही थी ये मूवी देखने के बाद कि एक्चुअली कहीं कोई है तो नहीं मेरे घर में, एक जब जिसको कहते हैं ना कि उस मूवी का ऐसा इम्पैक्ट था, जबकि मैंने हॉल पे नहीं देखी, मैंने घर पे देखी थी अपने। तो इस मूवी का मैं कभी भी रीमेक देखना नहीं चाहती हूँ। इसमें नाम दृश्यम 2 का भी था, लेकिन सबको पता है अजय देवगन तो पहले से ही दृश्यम 1 में काम कर चुके हैं और दृश्यम 2 की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सपना मेरा जो था वो सपना ही रह गया कि मैं इस मूवी का बिल्कुल भी रीमेक देखना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट मूवी है एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया। इस मूवी का प्लीज रीमेक मत बनाना, अगर बना रहे हो तो प्लीज रोक दो यहीं पे काम, क्योंकि ये मूवी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इट इज कॉमेडी एंड थ्रिलर, कॉमेडी एंड थ्रिलर का आप सोच सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनाया था, और उस टाइम पे जो जिस तरीके की एक्टिंग थी, जो राइटिंग थी और जो ईज से काम किया एक्टर्स ने, आई थिंक वो कहीं और मैंने नहीं देखा। और वो कहानी बहुत ही डिफरेंट और अच्छी थी। अगर हम उसको हिंदी बेल्ट में रिलीज करते हैं एज, मतलब अगर बॉलीवुड बनाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस चीज़ को ला पाएगा जो उस टाइम पे उस पूरे कास्ट एंड क्रू ने किया था। मैं इसका बिल्कुल भी हिंदी रीमेक या बॉलीवुड रीमेक नहीं देखना चाहती हूँ। मूवी जिसका मैं रीमेक नहीं देखना चाहती थी लेकिन शायद उसका रीमेक बन रहा है, उसका नाम है फोरेंसिक। फोरेंसिक बहुत बेहतरीन मूवी है, आप ज़रूर जाकर देखिए। अब तो यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, डब्ड है और वैसे भी मिल जाएगी आपको, तो प्लीज़ जाकर देखिए। फोरेंसिक इज़ वंडरफुल वंडरफुल मूवी। बट अगेन, कुछ पता नहीं है बॉलीवुड का कब कहाँ कौन बैठ के ये मूवीज देख के और अपने अपने कुछ कमेंट्स लिख रहा है और उसको हिंदी में उसको बनाने की तैयारी कर रहा है। तो प्लीज़ इसका मैं रीमेक नहीं देखना चाहती हूँ, अगर बन रहा है तो दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। अगली जो मूवी है उसका नाम है अंजाम पथिरा। ये एक और थ्रिलर है और अगेन इसका मैं रीमेक नहीं देखना चाहती, और अगर आपने नहीं देखी ये मूवी प्लीज़ जाकर देखो, आपको एक्चुअली पता लगेगा कि थ्रिलर्स कैसे बनती हैं और कैसे सिंपल बैकग्राउंड्स पर भी कैसे काम किया जाता है। वहाँ के डायरेक्टर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एक एक चीज़ को माइन्यूटली नोटिस कर रहे हैं, और कैसे एक्टर से किस एक्टर से कैसे काम लेना है वो कर रहे हैं। हमारे लिए देखिए, मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये मूवीज इसलिए लगती है क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया मूवीज़ हैं। प्लस ये जो एक्टर्स हैं मेरे लिए, देर ऑल फ्रेश फेसेस मेरे लिए, क्योंकि ये सब इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, ये सब सुपरस्टार्स हैं। बट क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करती हूँ, मैंने ये रिसेंटली एक्सप्लोर करने शुरू किया, तो मेरे लिए सबके सबके सब फ्रेश फेसेस हैं और सब सुपर टैलेंटेड हैं। ऑल ऑफ देम आर लाइक हमारे जो सो कॉल्ड सुपर स्टार्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आप इन्जॉय करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि लैंग्वेज जो है वो उसको एक बैरियर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो हम देख रहे हैं और जो उसमें जो कहानी स्टोरी टेलिंग चल रही है, हमें उसको फॉलो करना है। और जो लास्ट मूवी है जिसका मैं कभी भी रीमेक नहीं देखना चाहती, वो है श्याम सिंह रॉय। ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है, जो कैलकटा दिखाया गया है, जिस तरीके से एक्टर्स ने काम किया है, नानी अगेन इज अ ग्रेट एक्टर। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा है ना, जिस तरीके से जर्सी है या कभी या अर्जुन रेड्डी है या अगेन ये कैथी है, सूरज राय पोटर, हम लोग जो ये देख रहे हैं ना कि ये इन मूवीज के रीमेक्स बन रहे हैं जितनी तेजी से बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, थोड़े ही समय में, एक लाइन लग जाएगी बॉलीवुड जितने रीमेक्स लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे काम कर रहे हैं और सारा का सारा उन्हीं का कंटेंट लेने में लगा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ एज अ व्यूअर हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा, आई थिंक वी हैव टू बी फेयर टू द एक्टर्स एंड टू द डायरेक्टर्स, ताकि हमने जो उन्होंने ओरिजिनल काम किया है, जो उन्होंने मेहनत की है, कम से कम हम वो तो देखें तो हमको पता लगे। आई एम ग्लैड कि दृश्यम 2 जो है OTT पे रिलीज हुई और हिंदी भी थी उसमें, डब थी या सब टाइटल्स थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने उसको ओरिजिनल फॉर्म में देखा उस टाइम पे, आई एम सो ग्लैड। या पुष्पा थी, हमने उसको जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है हमने उसमें देखा, हमने उसका रीमेक नहीं देखा। RRR, अगेन ये ऐसी मूवीज हैं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि अब इनके रीमेक्स नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल हैं। तो अला वैकुंठपुरमुलो भी हिंदी में अवेलेबल है बाय द वे, लेकिन शहजादा बन रही है कार्तिक आर्यन को लेकर, आई डोंट नो व्हाई, बट जिसको देखनी होगी वो देखेगा, मैं तो नहीं देखने वाली हूँ।
मैं अच्छे टैलेंट की और ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स की कदरदान हूँ। मुझे लगता है कि जो किसी ने काम किया है, आई थिंक उसको ड्यू क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। तो साउथ इंडस्ट्री जिस तरीके से कहानियाँ लिख रही है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मुझे लगता है कि सबके सब ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर मैंने किसी को मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि कन्नडा हो तो मुझे लगता है कि सबके सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट्स गुड फॉर अस एज व्यूअर्स। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिएगा और एज अ व्यूअर बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शेयर।